तो घर में सबसे बोल्ड बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो सोनिया निकली ना, बस बोल्ड यू कैन से ब्यूटीफुल मेरी छोटी वाली सिस्टर है, वो भी है वो भी है, तुम भी हो और तुम दोनों मिलते भी बहुत एक दूसरे से। मैं अक्सर तुम लोगों की पिक्चर्स देखती हूँ जो तुम अमेरिका जाती हो तो उसके पास मिलने पोस्ट करती हो, बड़ा मजा आता है मुझे देख के, एंजॉय करती हूँ। मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स। तुम बहुत घूमने फिरने का तुम्हें शौक है? बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मेरी ज़्यादातर जो आधी से ज़्यादा सैलरी है वो या तो इंटीरियर पे खर्च होती है या मेरे शूज़ पे खर्च होते हैं या ट्रैवलिंग पे। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे तीन शौक है, तीन शूज, घर का इंटीरियर सारा और ट्रैवलिंग। बचाती भी हो पैसे के, सब उड़ाने वाली है नेचर तुम्हारी। लिटरली पहले तो बिल्कुल नहीं बचाती थी, हाँ। लेकिन अब ये कि थोड़ी सी अकल आने लगी है कि नहीं नहीं ये भी बहुत जरूरी होता, हाँ। है तो अब ये कि अब मैं काफी सेविंग करने लगी हूँ। सोनिया अब तो जो जाहिर है तुम कमाती हो, लेकिन मैं पहले की बात करूँ, अगर जब अम्मी अब्बू के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बच्चियाँ, तो उस वक्त सोनिया की क्या ख्वाहिशात होती थी कि मुझे मैंने पैसे जमा करके ये लेना है, मैंने पैसे जमा करके ये, मतलब ईदी से ही चले हम जरा ईडी कलेक्ट करके, मुझे अब जमा करके पैसे ये चीज़ तो लेनी है जी। आई थिंक ड्रेसेस का ही शौक़ था, और बहुत छोटे जब थे तब ये होता था कि वो कोल्ड ड्रिंक पी लें, आइसक्रीम खाने, कोन बन चीज़ लेने जाके तो वो ही होता था सबसे ज़्यादा जो आप चीज़ खा सकते हैं वो ईद पे खा सकते हैं तो ये ईद का यही। तो नेचर वाइज सोनिया कैसी थी जब छोटी थी? बहुत सबको हंसाने वाली, शर्मीली तो खैर तुम नहीं होगी, लेकिन ज़रा डिप्रेसिव रहती थी या हंसती मुस्कुराती, मतलब वो मचलती रहती थी, कैसी नेचर थी तुम्हारी, लाइवली नेचर थी? आई थिंक डिपेंड करता है किसी कंपनी में हो। अच्छा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझ पर ना लोगों की पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेरे साथ कोई बहुत अच्छा फ्रेंक इंसान बैठा हो, उससे मैं बात कर रही हूँ, बहुत जॉली और अच्छी तबीयत का, सॉफ्ट नेचर, तो खुद ब खुद ना वो मेरे पर वाइब्स आती हैं और मैं खुद ब खुद हंसने लग जाती हूँ। और सामने वाला बहुत सोबर हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका एक ना यू नो तुम भी सोबर हो जाती हो। डिपेंड करता है, मैं बिल्कुल कोई एक नेचर की नहीं हूँ, मैं बहुत चिचोरी भी हूँ। तो बचपन से तुम्हारे अंदर ये चीज़ है कि जो हमारी कंपनी है वो तुम्हारे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है? बचपन से है, बचपन से टीचर्स के साथ बिल्कुल एक बुर्दबार स्टूडेंट बनके और स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल एक। जबरदस्त जबरदस्त। तुमने जब सोचा नहीं था कि तुम एक्ट्रेस बनोगी, और तुम छोटे बच्चे मुख्तलिफ ड्रीम्स देखते हैं, मैं टीचर बनूंगी, कभी कभार तो ये भी कहते, मतलब मेरा बेटा जो है 5 साल का, वो कहता है मैं बड़ा होकर कार ड्राइवर बनूंगा, मैं सुपर स्टोर का जो वो सेल्समैन है वो बनूंगा, क्योंकि वो ही चीज़ें उनको ऑन करी होती हैं उस वक्त। तो तुमने क्या सोचा था तुम क्या बनोगी? मैं मुझे पायलट बनने का बहुत शौक था बचपन से ही, इतना बड़ा ख्वाब भाई, क्योंकि मुझे ना बहुत फैसिनेट करता था कि जहाज में बैठ के जाना, पूरी दुनिया ट्रैवल करना। ऑब्वियसली वो मैं संभाव कर ही रही हूँ, ट्रैवलिंग तो मैं करती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि आप बहुत सारे लोगों को लेके जा रहे हैं, और तो मुझे बहुत ड्रीम भी आता था। तुम्हें ट्रैवलिंग का भी तो शौक होगा ना, इसीलिए ऑब्वियसली, ये नहीं कि मैं जहाज उड़ाऊँ उस तरह शौक है, मुझे ना जहाज लेके कहीं चली जाऊँ तो इसलिए पायलट बनने का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों को डॉक्टर बनाने का शौक था, फिर मेडिकल में जाना पड़ा। तो तुमने मेडिकल किया? MBBS नहीं किया हुआ, लेकिन BS इन फिजियोलॉजी किया। अच्छा, तो तुम्हारा था शौक खुद डॉक्टर बनने का, या तुमने उनसे रिपल से वो कि तुमने कहा नहीं भाई, मैंने कहा नहीं। आपको पता है ना कि हमारे जो सोसाइटी है यहाँ पर बच्चों की तो चलती ही नहीं है तो मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी बात है कि अब की जो जनरेशन है, जो अब के पेरेंट्स बनेंगे आगे जाके, तो उनकी मैंने देखा बहुत सारे, मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ, उनकी ये थॉट है कि हम अपने बच्चों से पूछेंगे बचपन से कि वो क्या बनना चाहते हैं, कि ऑब्वियसली लाइफ उनकी होती है। हमारे सोसाइटी में ये बहुत चीज़ है कि बचपन से कहते हैं बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तुम्हें कितना बोला गया? तुम्हें बहुत बोला गया नहीं, क्योंकि हमने तो कभी एक्सप्लोर भी नहीं किया ना, तो मुझे लगता था हाँ शायद यही होता है, तो फिर वही करते गए, इंटर में भी फिर साइंस ले ली, फिर उसमें भी आगे वही करते रहे, लेकिन क्योंकि इतना दिमाग खुलता ही नहीं है कि आपको वो थॉट प्रोसेस दिया जाए। तुम्हारा फैसला कब हुआ कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मतलब मेडिकल कर लिया, इंटर कर लिया मेडिकल में? आई थिंक इंटर में जाके, हाँ इंटर में जाके मैंने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल पढ़ाई है, 5 साल मैं इस तरह करूँगी, आई थिंक अगर मैं सिंपल BS करूँ तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। पढ़ाई में अच्छी थी? पढ़ाई में अच्छी अच्छी थी, मतलब नंबर वंबर अच्छे आ जाते? जी। कभी डंडे नहीं पड़े कि रिजल्ट क्या आ गया या गलत साइन अम्मा अब्बा के नहीं? नहीं नहीं, मेरा वैसे जो याद करने का एक मेमोरी है ना वो बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो इस हिसाब से जान छूट जाती, पूरे साल पढ़ने वाली नहीं थी, जो आखिरी वक्त पे पढ़ने वाले होते हैं, हाँ। तो वो था, लेकिन ये कि अच्छे मार्क्स आ जाते। अच्छा, ज्यादा जो अगर मैं तुमसे पूछूँ, ज्यादा आइडियल तुमने अम्मा को बनाया या अब्बा को बनाया? आई थिंक दोनों से
सीख के जो चीजें होनी चाहिए वो एक शख्सियत बनाइए, वो आइडियल है। भूल जाओ सब कुछ। क्यों, क्या सब माया? हाँ, जब से लाइफ में लगुना आया है, बस 10 फरवरी से पहले अपने एआरवाई लगुना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा? और हर फॉर्म पे 1,00,000 डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे एआरवाई लगुना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1,00,000 रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। याद रहे, हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल। मजीद मालूम के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगुना, ये है कराची।